वालेकुम हम प्रैक्टिकल करेंगे कॉमेडी राइटिंग का हमने जो पिछले सेशन से उसमें ये सीखा कि जी कॉमेडी होती क्या है इसको लिखना कैसे और कितना मुश्किल है तो हमने सोचा कि कुछ और आपको बताते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकली लिखा कैसे जाता है तो हम बात करें प्रैक्टिकल कॉमेडी राइटिंग की तो हमने बात की थी के रूल की कि जो क से साउंडिंग वर्ड्स हैं वो फनी होते हैं बेसिकली कहते ये हैं कि जो क के साउंड्स हैं जो क से शुरू होते हैं वो जब हम सेंटेंसेस uh, में यूज़ करते हैं तो वो फ़नी होते हैं जैसे क्वैक है कॉली वॉबल्स क्यों कम्ब क्लीवलेंड कॉकरोच अब ये क्यों है आई uh, थिंक कि हम जब लिखेंगे इनको तो हमें खुद पता चल जाएगा कि ये क्यों फ़नी होते हैं तो हम दो लफ्ज लेते हैं या तीन लफ्ज़ लेते हैं इसमें से हम लेते हैं क्यों कपकेक और कॉकरोच और देखते हैं कि अब हम इसके साथ एक कॉमेडी क्या लिख सकते हैं के रूल को इस्तेमाल करते हुए एक सिचुएशनल कॉमेडी यानी कि एक सिचुएशन हो रही है उसके बारे में हम लिख रहे हैं तो जो तीन लफ्ज हमने कहा था वो हमने कहा था कि हम लिखेंगे क्यूकम कपकेक एंड कॉकरोच अब हमने ये तीन क के जो लफ्ज हैं वो चूज किए और हम अब इसके साथ एक कॉमेडी सिचुएशन हम लिखते हैं हमने लिखा आई है स्टैंडिंग इन द किचन वेन आई स्पॉटेड डिलीशस कप के इट वॉज स्क्रीमिंग ईट मी हाउ कुड आई रेजिस्ट जस्ट आई Went near the cockroach, beat me to it. But how could I let the cockroach win? I took the Cucumber and whacked it on the table. Cockroach got the scare, the scare of his life and. I got the cupcake I wanted. तो हमने ये तीन क के साउंड्स इस्तेमाल करते हुए लव्स एक कॉमेडी सिचुएशन में इस्तेमाल किए और हम ये देखते हैं कि वो कॉमेडी जो है वो ज़्यादा उभर जाती है इन तीन लफ्ज़ों से क्यों उभरती है अगर इसको हम पढ़ें तो हमें समझ आती है दैट आई वज स्टैंडिंग इन द किचन वेन आई स्पॉटेड द डिलीशियस कप केक इट वज क्रीमिंग ईट मी सो हाउ कुड आई रेजिस्ट जस्ट एज आई वेन नियर द काक्रोच बीट मी टू इट बट हाउ कुड आई लेट द काक्रोच वेन आई टुक द क्यू कम्बा एंड वाक्ट इट ऑन द टेबल द काक्रोच गॉट द स्केयर ऑफ हिज लाइफ एंड आई गॉट द कप केक आई वॉन्टेड सो कंड वी गॉट अ सिचुएशन कॉमेडी फरास and that's how you would use the k sound to build a comedic writing piece. अब हम अगले रूल की तरफ जाते हैं और उसका हम एक एग्ज़ाम्पल जो है वो पढ़ते हैं अगेन ये uh, जिसको हम ऑब्वियस कॉमेडी कह दें कोई ऐसी चीज़ जो सबको पता है मगर वो एक कमीडिक सिचुएशन में जो है वो हम uh, उसको हम इस्तेमाल करते हैं ये हैरी पॉटर की एक जो आपने सबको पता होगा हैरी पॉटर का उसके नॉवल का एक एक्सेप्ट है यस यस गुड पॉइंट पिथूनिया वॉट वर यू डूइंग अंडर आर विंडो बॉय लिसनिंग टू द न्यूज़ सेड हैरी इन अ रिजाइंड वॉइस हिज आंट एंड अंकल एक्सचेंज चेंज लुक ऑफ आउटरीच लिस्टिंग टू द न्यूज अगेन वेल इट चेंज इज एवरी डे यू सी सेड हैरी अब इसमें मज़ा की बात क्या है इसकी मजा की बात यह है कि अंकल कह रहा है कि तुम फिर से ख़बर सुन रहे हो भाई ऑब्वियसली फिर से ख़बर सुन रहे हैं रोज़ बदलती है इसलिए सुन रहे हैं और हैरी ने एक ऑब्वियसली सी बात की मगर हंसी इसलिए आती है क्योंकि जो अंकल है उसने एक ऐसी बात की जो ओब्वियस थी कि भाई ख़बर दोबारा सुन रहे हो क्यों सुन रहे हो हैरी कहता है भाई इसलिए क्योंकि रोज़ बदलती है हर वक्त बदलती है जो कि सच्ची बात है फैक्चुअल है ओब्वियस है मगर जब हम इसको इकट्ठे रखते हैं तो एक कमेडिक सिचुएशन बनती है तो फिर हम अगर इसको एक एग्ज़ाम्पल अपना दें और एक प्रैक्टिकली देखें कि हम जो है इसको कैसे लिख सकते हैं इस तरह की चीज़ को तो हम ये देखते हैं कि हैरी ने बात की ओबियस चीज़ ये थी कि आप न्यूज़ uh, जो है वो हर देखते हैं और इसलिए हर वक्त देखते हैं क्योंकि वो बदलती रहती है तो अगर हम uh, एक सिचुए इसी तरह की ओबियस कॉमेडी देखें या ओबियस सिचुएशन की कॉमेडी देखें तो हम सोचते हैं अच्छा जी किस चीज़ पे लिखा जाए खाना खाने के लिए है राइट वी फूड इज़ देयर फॉर अस टू ईट तो हम कहते हैं कि जी फूड इज़ देयर फॉर अस टू ईट खाना हमारे खाने के लिए है अब खाना तो है अब इसके ऊपर जिस तरह वो न्यूज़ की हमने uh, बात की थी इसी तरह अब हम खाने के बारे में बात करते हैं और एक ऑब्वियस सिचुएशन क्रिएट करते हैं विच कैन बिकम अ बिट फनी फूड इज़ देयर फॉर अस टू ईट उसी सिचुएशन को अगर हम यहाँ देखते हैं मॉम ने कहा सारा वेयर इज़ द फूड सारा ने कहा वेयर इट शुड बी मॉम इट इज़ नॉट ऑन द टेबल और द फ्रिज और एनी वेयर इन द किचन सारा ऑफ़ कोर्स इट इज इंट इट्स इन माय टामी मॉम यू एट द फूड सारा यस, फूड इज़ फॉर ईटिंग आई एट इट सो ऑब्वियस है बट कॉमेडिक है क्योंकि माँ खाना ढूंढ रही है उसको पता नहीं है खाना है कहाँ सारा कहती मैं तो खा गई खाने के लिए था मैं खा गई सो so, uh, हमने ये दो सिचुएशन देखी हैं के के रूल को हम अगर इस्तेमाल करें तो कॉमेडी राइटिंग कैसे हो सकती है अगर एक ओबियस सिचुएशन है या एक ओबियस सी बात है उसको हम कॉमेडी में कैसे लिख सकते हैं आई होप दिस हैज़ बिन हेल्पफुल